हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशन एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.27। यहाँ है अ 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। एक 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, उसको हम चार्ज करते हैं बाय 200 वोल्ट सप्लाई या बैटरी से। ओके, इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। फिर इसको डिसकनेक्ट कर दिया जाता है उस सप्लाई से एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। फिर इसको बैटरी को हटा के या सप्लाई को हटा के वहाँ हम 2 माइक्रोफेरेड का एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बात हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस प्रोसेस में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हम पहले 2 बार और कर चुके हैं। एक तो हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 2.10, इसी चैप्टर का 2.10 जो एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, वो किया था। एक किया था हमने क्वेश्चन नंबर 2.11, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2.11, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था, बस यहाँ पर ये फिगर चेंज किए गए हैं, 200 वोल्ट और ये कैपेसिटेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंजेस हैं, बस ओनली सारी चीज़ें वही है, लैंग्वेज वही है, सब कुछ वही करना है हमको। तो फिर से आज एक बार और कैलकुलेट करते हैं इन्हीं चीज़ों को। यहाँ पर हम देखिए ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला केस है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हो सकता है मैं आपको आई बटन में भी उसका लिंक दे दूं। ठीक है बात, तो वहां से आप जरूर देखें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाले वीडियोस, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तीसरी बार आया है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में। ओके, देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा फिर से एक बार और। ओके, सबसे पहले हमारे पास है क्या कि 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये ले लिया हमने एक 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कैपेसिटेंस का 4 माइक्रोफेरेड इसका कैपेसिटेंस है और ये कैपेसिटर है हमारे पास। क्लियर है बात, इसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से 200 वोल्ट जिसका वोल्टेज है कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव, 200 वोल्ट। क्लियर है बात, तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ ये है, और क्या है हमारे पास एक चीज़ और है अनचार्ज 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये भी है हमारे पास, भले ही इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद ऐड करेंगे लेकिन अभी हमारे पास ये अवेलेबल है ये चीज़ें। ओके, दिस ये है 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर। क्लियर है बात, तो इतनी चीज़ें हमारे पास हैं पहले, सबसे पहले। बाद में क्या किया गया है यहाँ पे, इट इज़ देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है इस सप्लाई से और फिर इस अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हम उसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। ठीक है बात, दिस इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस 2 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर के साथ। कब कनेक्ट करते हैं ये भी अभी देखते हैं। ये है 2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर और ये है 4 माइक्रोफेरेड का चार्ज्ड कैपेसिटर, क्योंकि 200 वोल्ट सप्लाई से पहले से चार्ज कर देते हैं, तब इसे हटा के हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ बैटरी की जगह, जो यहाँ मैंने कनेक्ट किया गया है। तो ये कैसा है, चार्ज्ड है अप टू 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, या फिर इसके पास चार्ज आ जाएगा, उसी को हम देख लेंगे अभी कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, C1 था 4 माइक्रोफेरेड, माइक्रो को चेंज कर लेंगे 10^-6 से चेंज करके। ठीक है, C2 कितना था, दिस V1 वोल्टेज था हमारे पास, दिस 200 वोल्ट, इसका कोई वोल्टेज था नहीं, V2 क्या था हमारे पास, 0 था। अब देखिए जब हम इस बैटरी या सप्लाई को हटा के यहाँ से इस अनचार्ज्ड को, ये तो अनचार्ज्ड ही है ना, बिकॉज कोई भी पोटेंशियल नहीं है यहाँ पर, अनचार्ज्ड कैपेसिटर गिवन भी है क्वेश्चन में, अनचार्ज्ड 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है बात, इस अनचार्ज्ड को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, ये तो ये अनचार्ज्ड था पहले, सबसे पहले क्या होगा ये 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा चार्ज। फुल्ली चार्ज होने के बाद फिर इस 4 माइक्रोफेरेड वाले की को हम कनेक्ट कर देंगे इससे, जो कि अनचार्ज है, इस बैटरी की जगह लगा देंगे यहाँ पर, तो ये भी चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये चार्ज्ड है ऑलरेडी और ये अनचार्ज्ड है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है अगर ये, और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये भी सेम पोटेंशियल तक चार्ज हो जाएगा, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा तो चार्ज का फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक इस प्लेट तक,
तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। तो यही है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि ये सबसे पहले चार्ज कर लिया, ये अनचार्ज था, इस अनचार्ज को यहाँ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर इस कैपेसिटर पर भी चार्ज आ जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मीन्स चार्ज का फ्लो होगा, मोमेंट्री करंट यहाँ फ्लो करेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके थे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए चार्ज यहाँ तक फ्लो होगा ना, तो मोमेंट्री करंट होगा उसे ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। और इसका अपना रेजिस्टेंस भी है इस वायर का, तो उसी वायर का जो रेजिस्टेंस है उसी की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, जब भी वो ट्रांजिएंट करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, उसी फॉर्म में लॉस्ट होगा एनर्जी का, ठीक है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बनेगी, क्योंकि करंट फ्लो होगा, हाई करंट फ्लो होगा, थोड़ी देर के लिए मोमेंट्री करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बनेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, क्योंकि जब करंट होता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी है ही, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहाँ पर बनेंगे दोनों ही साइड में, तो हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में यहाँ एनर्जी का लॉस होगा, जो कि यहाँ गिवन है हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन चीज़ों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियर है बात। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, सबसे पहले इसको चार्ज किया तो इसने एनर्जी को स्टोर किया, इसके पास एनर्जी आ गई, इसको फिर इस अनचार्ज से कनेक्ट किया तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहां से एनर्जी इसके साथ ट्रांसफर हुई तो इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी का क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो वो कितनी एनर्जी का लॉस्ट हुआ वही हमको यहां कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बिफोर कनेक्शन देखेंगे एनर्जी, फिर आफ्टर कनेक्शन देखेंगे एनर्जी। तो इसके दो मेथड है, सबसे पहले हम देखते हैं मेथड नंबर वन, ओके, जो कि शॉर्ट मेथड है बहुत ही, जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, डेल्टा यू जो एनर्जी लॉस्ट होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाले केस में, हमने इस फॉर्मूले को एस्टेब्लिश किया था, आप वो वीडियो जरूर देखें, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो डेल्टा यू होता है 1/2 C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, इस रिलेशन से हम लॉस्ट एनर्जी लॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, एनर्जी लॉस्ट डेल्टा यू, ओके। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए C1 है, C2 है हमारे पास, V1 है, V2 है हमारे पास, यही चीज़ें हैं इस फॉर्मूले में। तो डेल्टा यू कितना होगा, 1/2 C1 कितना है, 4 μF, तो 4 × 10⁻⁶ हो गया, माइक्रो की जगह 6 लगा लिया। C2 कितना है, 2 μF, तो 2 × 10⁻⁶ फिर लगा लिया C2 की जगह। V1 - V2 कितना है, 200 V, V2 कितना है, 0 है, तो 200 - 0 और उसका स्क्वायर अपॉन C1 + C2, C1 4 μF, C2 2 μF, तो 4 + 2 μF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 6 μF, तो 6 μ की जगह 10⁻⁶ यूज कर लेंगे, क्लियर है ना बात। C1 + C2 ये और C2 2 μF, 4 × 2 6 μF, माइक्रो की जगह 10⁻⁶ आ गया। इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, ये देखिए ये माइनस जीरो हटा देते हैं और स्क्वायर की जगह लिख देते हैं इसे दो बार मल्टीप्लाई करके, 200 × 200, क्लियर है ना। नाउ अब देखिए 2 × 3 = 6 और ये 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 times हो गया। अभी देखते हैं हम यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है बात, और 00 00 ये आ गए, 00 and 00 ये आ गए हमारे पास, क्लियर है बात, अपॉन 3 है। अभी देख लेते हैं 10^2 की जितनी भी पावर्स हैं उनको, चलिए 10^2 देखिए -6 - 6 कितना हो गया, ये -12। अभी देखिए बाद में देखते हैं, पहले ये 10^-6 और 10^-6 कैंसिल हो गए, है ना, तब देखते हैं। अभी नीचे वाला पार्ट खत्म हो गया, 3 था, 3 यहाँ आ गया, और 10^2 कितना हुआ, यहाँ पे -6 है, और कौन है, और तो कोई बचता नहीं है, सही है, क्लियर है ना बात। और ये 10^4 के साथ, इसके साथ प्लस में कर देंगे इसको, बची हुई 4 0 हैं ये, ठीक है, इनको हटा दिया, इसके साथ हो गई ये, तो ये हो जाएगा 8/3 × 10^-2। इसका डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, पॉइंट लगा लेंगे 0, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, ऐसे ही चलता रहेगा, -2। इतनी एनर्जी का लॉस्ट होगा, मीन्स 2.67 × 10^-2 जूल एनर्जी का लॉस्ट हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये है मेथड वन से आंसर, इतनी एनर्जी का लॉस्ट होगा, यहाँ इसे नोट कर लेते हैं, एनर्जी लॉस्ट इज 2.67 × 10^-2 जूल, दिस इज द आंसर। और किस फॉर्म में होगा, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होगा, क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा। जब इसको ये चार्ज करेगा अनचार्ज कैपेसिटर को, क्योंकि अनचार्ज था इसको कनेक्ट किया, तो वही बात कर ली हमने, बार बार नहीं कर रहे, ठीक है, वीडियो को बैक कर लेंगे आप। अब देखते हैं मेथड नंबर टू, जैसा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस वाला जो हमने डेरिवेशन किया था बिल्कुल वैसे ही होगा ये केस नंबर, सॉरी मेथड नंबर टू से सॉल्व करते हैं इसे को, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। मेथड नंबर टू, बिल्कुल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का जो डेरिवेशन था उस डेरिवेशन को ही समझ लीजिए, आप सीख जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो या तो देख लीजिए वहाँ जाके, या फिर इसी वीडियो को देख लीजिए, तो यहाँ से आप सीख जाएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये पार्ट है पूरा दिस, ये इतना पार्ट, ये है बिफोर कनेक्शन, पहले ये था हमारे पास, एक ये था, कब है ये बिफोर कनेक्शन, इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया है ना, बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन। फिर ये पार्ट है सेकंड पार्ट, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन, है ना, क्योंकि ये चार्ज किया पहले हमने, फिर जब इसको कनेक्ट किया इसके बैटरी की जगह पे यहाँ, तो ये दो केस हो गए हमारे पास, बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन। तो इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल और ये फाइनल, ओके, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो एनर्जी पहले इनिशियल कंडीशन में देखेंगे, फिर फाइनल कंडीशन में एनर्जी देखेंगे, फिर दोनों का क्या कर लेंगे, डिफरेंस देख लेंगे, पता लग जाएगा कि एनर्जी का लॉस्ट हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। सबसे पहले यू आई देखते हैं, इनिशियल एनर्जी, पहले इस कंडीशन में एनर्जी तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसकी एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगी, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, इसकी क्या हो जाएगी, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है, और दोनों को ऐड कर दो तो हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, ठीक है बात, तो ये इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। निकाल लेते हैं वैल्यूज को, पुट कर लेते हैं, हाफ सी वन कितना है 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रो की जगह 10^-6 आ गया, ओके। वी वन स्क्वायर कितना है, दिस 200 वोल्ट, 200 वोल्ट उसका स्क्वायर, तो 200 × 200, ओके, प्लस फिर से हाफ, सी टू कितना है 2 माइक्रोफेरेड, 2 × 10^-6 फिर से, इंटू वी टू स्क्वायर, वी टू कितना है 0, कोई भी वोल्टेज है ही नहीं, अनचार्ज था, वोल्टेज भी नहीं होगी, 0 होगी, तो ये तो पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, बचता है ये, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, इसे सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 8, 1, 2, 3, 4, 10^+4 ये होंगे, 10^-6 ये होंगे, तो कितना हो जाएगा 8 × 10^-2, इनिशियल एनर्जी हो जाएगी दिस, ये तो 0 हो ही गया, प्लस 0 करेंगे तो इसे हटा देंगे क्योंकि काम ही नहीं है, तो इतने जूल तो हो जाएगी इनिशियल एनर्जी, क्लियर है बात। अब देखते लेते हैं फाइनल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल एनर्जी फिर से पहले निकालेंगे इसकी फिर इसकी, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का सम कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ और, जब हम इसको 200 वोल्ट तक कनेक्ट करके चार्ज कर लेंगे यहाँ पर, तो इसका एक अपना पोटेंशियल होगा, 200 वोल्ट होगा इसका पोटेंशियल, जब इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल का भी तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का एक, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज जब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज का फ्लो होगा, यहाँ तक ऐसे ही यहाँ तक होगा चार्ज का फ्लो, कब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, मीन कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। पहले कितना था इसका, जब चार्ज किया तो 200 वोल्ट तक चार्ज किया हमने, 200 वोल्ट तक इसे चार्ज किया और फिर इसको अनचार्ज कैपेसिटर के साथ यहाँ कनेक्ट किया, तो इन दोनों का कैपेसिटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, मान लिया कि वो वी हो गया कॉमन पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली उतनी ही चार्ज होगी जितनी ये होगी, क्योंकि चार्ज यहाँ से फ्लो करके यहाँ आएगा, ठीक है बात, क्लियर। वैसे भी 200 वोल्ट तक चार्ज किया इसे, ठीक है, लेकिन ये 2 माइक्रोफेरेड का है, पता नहीं कितने वोल्ट तक आएगा, तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं दोनों का, क्लियर है। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाले केस में हमने पढ़ा था, 4 तरीके बताए थे कॉमन पोटेंशियल पता करने के, है ना, उनमें से कुछ तरीके मैं बता देता हूँ आपको, एक तो यही है, V इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन C, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है V इक्वल्स टू, है ना, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज, तो टोटल चार्ज Q1 + Q2 बिफोर कनेक्शन, पहली इस पोजीशन में है ना, Q1 + Q2, कोई सा भी चार्ज ले लीजिए, आफ्टर कनेक्शन ले लीजिए या बिफोर कनेक्शन ले लीजिए, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज कितना है, मान लिया इस पर Q,
वन और इसका क्यू टू, ठीक है। बिफोर कनेक्शन क्यू वन क्यू टू, आफ्टर कनेक्शन मान लिया क्यू वन डैश और ये क्यू टू डैश, चार्ज चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब ये कॉमन पोटेंशियल पर आएंगे तो चार्ज भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज निकल के इस पर आ जाएगा ना, तो पहले जितना चार्ज होगा ये उतना नहीं रहेगा। Q1 डैश मान लिया हमने इसकी जगह, पहले Q1 था, Q1 डैश और ये Q2 डैश, ठीक है, दोनों ही वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल, Q1 प्लस Q2 अपन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस। तो या फिर बिफोर कनेक्शन ले लीजिए या फिर आफ्टर कनेक्शन ले लीजिए, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये भी फॉर्मूला काम कर जाएगा टोटल कैपेसिटेंस, और ये भी कर जाएगा। ये तो हमें पता है ही नहीं, Q1 डैश Q2 डैश, Q1 डैश Q2 डैश पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना Q1 प्लस Q2, कैसे निकालेंगे Q1 प्लस Q2, यहाँ से निकाल लेंगे Q1 प्लस Q2, कैसे निकालेंगे देखिए, Q2 तो जीरो होगा, ये तो अनचार्ज है ऑलरेडी, तो कितना होगा Q1 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल, ठीक है बात। Q1 कितना होगा भाई, Q क्या होता है, C इंटू वी कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रो की जगह 10 टू पावर माइनस 6 इंटू कैपेसिटेंस, सॉरी वोल्टेज 200 वोल्ट, और 200 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया Q1, है ना, C ये और वोल्टेज ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई C इंटू वी का, ये हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 200 अपॉन C1 प्लस C2, C1 कितना 4 और C2 कितना 2, तो 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रो की जगह 10 टू पावर माइनस 6 आ गया फिर से, ठीक है बात। इसे कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, और ये 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, 400 अपॉन 3, 400 अपॉन 3, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, वोल्ट, इतने वोल्ट होगा कॉमन पोटेंशियल इन दोनों का, ये भी सी पोटेंशियल पर होगा, ये भी सी पोटेंशियल पर होगा, यही है वी कॉमन पोटेंशियल। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, हाफ फिर से करते हैं, फाइनल एनर्जी निकालनी है, तो इसका कैपेसिटेंस तो पता है C1, ये है ना, वही था C1, पहले इसकी एनर्जी फिर प्लस इसकी एनर्जी, फाइनल एनर्जी तो यही होगी, C1 कितना है लिख देते हैं यहाँ, C1 और पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है कॉमन है दोनों का, एक ही है V का स्क्वायर प्लस हाफ, सेकेंड वाले की एनर्जी कैसे निकालेंगे, फिर सी वी स्क्वायर लगेगा, तो इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका पोटेंशियल कितना है V, वही है कॉमन, यही फॉर्मूला यूज होगा। चलिए इसे और लिख लेते हैं, C1 प्लस C2 और कॉमन ले लिया V स्क्वायर, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके UF निकल आएगा, ठीक है बात। इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, आप नोट कर लेंगे इसे कॉमन पोटेंशियल जो निकाला है हमने, ठीक है बात। चलिए नाउ पुट कर लेते हैं वैल्यूज, हाफ C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 तो 6 माइक्रोफेरेड, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ, 6 माइक्रो की जगह 10 टू पावर माइनस 6 लिख दिया, ये 4 ये 2 है ना, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, क्लियर है बात। तो दिस इंटू वी स्क्वायर, वी मीन्स कॉमन पोटेंशियल जो है 400 अपॉन 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है बात, स्क्वायर करेंगे तो दो बार लिख देते हैं इसको, स्क्वायर की जगह दो बार कर देते हैं मल्टीप्लाई 400 अपॉन 3 दिस, और इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6 ओके, 2 से ये 2 कैंसिल, क्लियर है। और यहाँ क्या बचता है, 4 4 जा 16 और 1 2 3 4, 10 टू पावर 4 प्लस के और माइनस के 6 ये, तो इंटू 10 टू पावर माइनस 2 बचेंगे, ठीक है, अपॉन थ्री, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 5 जा 15.1 एंड 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 ऐसे ही चलता रहेगा इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी इस सिस्टम की दिस, इतने जूल, इस टाइम पे जो एनर्जी होगी वो होगी फाइनल एनर्जी 5.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 जूल, ये हो गई फाइनल एनर्जी, है ना। इनिशियल एनर्जी पता ही कर चुके हैं कितनी है, वो ये है इनिशियल एनर्जी और दिस इज फाइनल एनर्जी। इन दोनों का क्या डिफरेंस देख लेते हैं, यू आई ज़्यादा है, यू एफ कम है, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है ना, ये 10 टू पावर माइनस 2 10 टू पावर माइनस 2 ये 8 है लेकिन ये कम है, यू आई माइनस यू एफ कर लेते हैं, लॉस्ट इन एनर्जी आ जाएगा, ओके
ये कौन सी केस में थी एनर्जी? यू आई, यू आई कितना है 8 × 10⁻²⁺ जूल, यू आई ये है, यू फाइनल ये है। चलिए इनका डिफरेंस और निकाल लेते हैं, बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इसे आप नोट कर लेंगे यहाँ पर, ये मैं हटाई दे रहा हूँ यहाँ से, इतना पार्टी काफ़ी है। तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? यू आई माइनस यू एफ। आप सोच रहे होंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर ली तो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव क्या शो करेगा? कि एनर्जी लॉस्ट हो गई है, तो मैं यू आई माइनस यू एफ कर लेता हूँ। ठीक है बात, यू आई कितना था? हाँ दिस 8 × 10⁻², माइनस फाइनल कितनी है? दिस 5.33 × 10⁻²। तो 10⁻²² कॉमन आ जाएगा, ठीक है 10⁻²² कॉमन आ जाएगा, और 8 − 5.33 करेंगे तो वही बचेगा 2.67 × 10⁻²² जूल, 10⁻², जूल। ठीक है, तो डेल्टा यू इज दिस, इतना जूल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी लॉस्ट। ओके, पहले भी यही निकाला था हमने दिस मेथड वन में, ये मेथड टू है, सॉरी यहाँ पे मेथड टू कर लेना। ओके, तो मेथड टू में भी हमने यही निकाला है 2.67 × 10⁻²² जूल। तो फिर से हमने ये दोनों ही मेथड से किया है, पहले भी हमने दोनों ही मेथड से किया था, फिर से हमने मेथड दोनों ही मेथड यूज़ किया है यहाँ पर। और जो एनर्जी का लॉस्ट क्यों हुआ वो आपको पता ही है कि हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होगा, क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एनर्जी का लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिएंट करंट फ्लो करेगा, ट्रांजिएंट मीन मोमेंट्री, और थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो करेगा क्योंकि चार्ज का फ्लो होगा इस सेकेंड कैपेसिटर तक, तो उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस है वायर का कुछ, तो हीट प्रोड्यूस होती है जब रेजिस्टेंस होता है, तो H=I²RT, ये होता है ना फॉर्मूला। क्यों होता है ये? बिकॉज H=, जो हीट है, P=W/T होता है ना, तो W क्या है? हीट एनर्जी है, P × T हो जाएगा, P × T है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हीट है, वर्क ही तो हीट होता है, तो P × T, P क्या होता है? I²R है ना, ये भी पढ़ेंगे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हीट कैसे निकालते हैं। तो I²RT कुछ इतनी हीट निकलती है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस है इस वायर का तो हीट निकलेगी, सिंपल। ठीक है, हीट निकलेगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकलेंगे, इसीलिए एनर्जी का लॉस्ट हो जाता है। तो कितनी एनर्जी का लॉस्ट हो रहा है? इतनी एनर्जी का लॉस्ट हो रहा है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।